मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं टोरंटो में घूम रहा हूँ या इंडिया में घूम रहा हूँ। यहाँ पे दिवाली की ऐसी की तैसी करके रख दी है स्टूडेंट्स ने, इसलिए आपको हर तरफ पीस नजर आएगी। Let me tell you, the organizers are bringing India right here in Canada. We are bringing more festivals who are close to us. We celebrate every day and night. दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज ना काफ़ी दिनों बाद टोरंटो जाने का प्लान बनाया और वो प्लान क्यों बनाया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक जब मैं नया नया कनाडा में आया था ना, मैं हर वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे टोरंटो हुआ करता था, हर वीकेंड पे, क्योंकि टोरंटो यार एक ऐसा सिटी है, उसकी वाइब ही डिफरेंट है। आप लोग वहाँ जाओगे आपका दिल नहीं करेगा कहीं और जाने का, इतना हल्ला गुल्ला, हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे आपको फेस्टिवल चलता नज़र आएगा। तो आज की रीज़न भी ये है कि वहाँ पे लगा हुआ है दिवाली फेस्टिवल, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो वहाँ के इंडिया के जितने भी लोग हैं सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने फेस्टिवल अरेंज किया हुआ है, सिटी ऑफ जो है ना उसको कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का, वो चल के देखता हूँ। मैंने सोचा देखना चाहिए, चल के आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ये वो लोग जो ये वीडियो कनाडा से बाहर से देख रहे हैं, चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं भी कहीं से देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए भाई टोरंटो कैसा सिटी है, वहाँ पे लोग कैसे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कनाडा में ठंड होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। हाँ भाई ठंड तो होती है, लेकिन यहाँ की ठंड ना लोगों को यहाँ की एक्टिविटीज़ या कोई भी जो है ना ऐसा मौका सेलिब्रेट करने से नहीं रोकती। तो चाहे वो ठंड हो चाहे विंटर समर, आपको टोरंटो में हमेशा हर वीकेंड पे कोई ना कोई फेस्टिवल चलता नजर आएगा। बहुत ही मज़ा आता है वहाँ जाके, डिफरेंट लोगों से मिलता है बंदा, डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से मिलता है, उनके कल्चर के बारे में जान सकता है। और मुझे वैसे भी बहुत शौक है जानने का, तो मैं चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो मेक श्योर करना यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। ये सारा डाउनटाउन है मिसिसागा का, और भाई यहाँ पे आप रेट चेक कर लें, इन बिल्डिंग्स के जो रेट्स हैं ना बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और 3000 से नीचे ना कोई आपको रूम नहीं मिलेगा। वन बेडरूम के अपार्टमेंट आपको 25-26 के मिलेंगे, जो टू बेडरूम के अपार्टमेंट अगर आप लेना चाहोगे तो वो आपको 3000 से नीचे नहीं मिलेगा, और ये यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और बस का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी मैंने जो है ना सामने अपनी पार्क कर दी है, तो देखते हैं बस कब आती है। तो यार मेरे पास ना ये कार्ट है, इसमें लास्ट टाइम मैंने बैलेंस डलवाया था, तो आई थिंक कुछ होना चाहिए। तो चेक करते हैं, सामने मशीन लगी हुई है, अगर तो इसमें बैलेंस होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर और यहाँ से जो है ना उसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। बस जो है वो आ चुकी है यार, जल्दी जल्दी भागो, काफ़ी लेट हो गए हैं, पहले रश बहुत है। बस जो है वो हाफ वे उतार देती है, तो अभी यहाँ से ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके यूनियन स्टेशन जाना है। ये देखो रश चेक करो आप, सैटरडे नाइट है और ऐसे ही रश होता है यहाँ पे वीकेंड पे हमेशा। आई डोंट नो ये पुलिस क्यों खड़ी है, क्यों रास्ता इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी डाल दी हुई है। अब ये रश आप लोग देखो यहाँ पे, ये टोरंटो मेन जो है ना डाउनटाउन, अब यहाँ पे कौन ड्राइव कर सकता है, यानी कि ड्राइव करना इतना मुश्किल है कि अगर आप ड्राइव करोगे, आप ये लोग देख रहे हो, ये ट्रैफिक ब्लॉक देख रहे हो यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, आपका एक घंटा इजीली पार्किंग में जो है ना वेस्ट हो जाता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे बाय बस या बाय ट्रेन आ जाएं। और वैसे भी आजकल जैसे यहाँ पे ना समर्स में हो या विंटर, मोस्टली रास्ते पुलिस जो है ब्लॉक कर देती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रोटेस्ट वगैरह चल रही है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से ना मोस्टली रास्ते ब्लॉक होते हैं यहाँ पर, तो वो आपको पार्किंग ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर। ये देखो रश चेक करो यार, ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, पैदल चलते हुए, साइकिल्स पे, हर जगह। तो
तो भाई यहाँ पे ड्राइविंग करना तो सिवाय जलालत के और कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो चुका है और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा जो है ना म्यूज़िक, बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं है, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके ना पहुँच सके। अंकल ऑमलेट, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं टोरंटो में घूम रहा हूँ या इंडिया में घूम रहा हूँ। आप देखो इतने लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं यहाँ पे लाइव। Okay, on this note we have a special announcement. How many guys you are excited for the glow party, everyone? Okay, we're going to have the DJ on the floor very very soon. But how many of you know what is happening tomorrow, by the way? What is happening tomorrow? What's happening tomorrow, guys? Fireworks. In the summer right now we are in almost starting in November, we're enjoying Diwali, but let me tell you the organizers are bringing India right here in Canada. We are bringing more festival who are close to us. We celebrate every day and night. We must have celebrated many festivals. What festivals you have celebrated in India, by the way? In India, you know the one festival growing up in Canada that I really wanted to celebrate in India? Yeah. Holi. Okay, because jaise India mein Holi manate hai na, aur kahin nahi mana sakte except at our Holi festival that's happening next year. Taste of India School of Flavors is Rampage. So make sure you know when this festival will be happening in 2024. Holi will be presented by Bandis Band. कुछ एहसास कुछ लम्हे, कुछ बादल कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात कुछ तीखे। Next year, presented by Bandish Bandit, make sure you're there 2024. If you were there with us in 2023, yeah, you know we had an absolutely fantastic time. All right, we are ready. Now, who here was waiting for the DJ glow party? For everyone, I believe. So once you get it and you take the plastic out, make sure you get it lighted up. And I want to see all of them up in the air. I want to see all the lights in that crowd. All I want to see is lights. That's all I want to see, because we're celebrating Vivo Present Diwali Festival Live! The biggest glow party in Toronto that Toronto has ever seen. The biggest outdoor glow party right here at the Diwali Festival of Lights. We're gonna absolutely have the best time ever tonight.
I am very very sorry, kana tane bhul gayi. I am very very sorry, kana tane bhul gayi. Aap bhajan wala maasi mein dhanne jo. She deserves a Chesta gift card. Oh, yeah. Okay. Yes. टोटली लाइटन अप द सिटी यार, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाहर निकलना जो है मुश्किल हो रहा था मेरा यहाँ से। और सिर्फ इंडिया नहीं, मुझे हर नेशनैलिटी का बंदा मुझे यहाँ पे नजर आया हुआ, गाता हुआ, एंजॉय करता हुआ, और यही टोरंटो की सबसे खास बात है। Few moments later. तो टोरंटो का आप लोगों ने देखा कितना अमेजिंग और क्रेजी क्राउड था, और दिवाली की सेलिब्रेशंस यहाँ पे किस लेवल तक की गई। टोरंटो के बाद अभी मैं आया हूँ ब्रैम्पटन में, और यहाँ का वेस्ट फील्ड मॉल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे दिवाली की सेलिब्रेशंस जारी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना काम बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई पड़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी बदनज़मी हो गई है, और पुलिस को भी बुलाना पड़ गया। पुलिस ने आके सारा जो है इनका दिवाली का बंदोबस्त, जितना भी सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे, सब कुछ ख़त्म करवा दिया है। बहुत ही हाई लेवल तक लड़ाई पड़ गई थी आपस में ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के, जिसकी वजह से सारा दिवाली का मज़ा जो है ख़राब हो गया, सेलिब्रेशन वहीं की वहीं रह गई। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी हो सकेगा आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा तो, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये जो हालात यहाँ पे हुए ब्रैम्पटन के अंदर पंजाबी स्टूडेंट्स में, ये ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए।